तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि तुम व्लॉग ही बनाते रहो, सारा काम मैं करूं। चलो फिर चलता हूँ जरा उसके पास, आंखें ओखे दिखा रही होगी देखना। उन्हें मजा आ रहा होगा देख के, है ना भाई? मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर मजा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो फटाफट। बस रील दिखा लो इसे बिठा के, यूं बैठ जाएगी चुईया की तरह। बहुत ज्यादा वेट हो रहा है, इसे कैसे कम करेगी तू? चार पाँच किलो ज्यादा। भाई अब ना आज एक मैं बात करना चाह रहा था, आजकल ये वर्ड ना काफी चल रहे हैं, मिलेनियल जेंजी अल्फा। तुम कहाँ जिम जुम जा रही? पीछे वहाँ कीर्तन आंटी लोग बजा रहे, वहीं चले जाओ, वहीं बैठ जाओ आराम से। मेरे को फिट होके देखता हुआ ना इसको अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये बुढ़ी होती जा रही है और मैं जवान। फोन है हमारे घर में, मैं कंट्रोल नहीं होती मेरे से ना, बिना बोले बोलूं बहुत मैं। तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। तो भाई ये खड़ी है मेरी धर्म पत्नी अपने रसोई घर में, एज यूजुअल, वेरी कॉमन थिंग। और हम हो गए हैं रेडी नहा धो के, और ये देखो ये अभी भी ऐसी नेस्तियों की तरह इधर उधर घूम रही है। भाई काम ऑफिस भी करना है, ऑफिस भी करना है। ऐ बेचे कुछ ज्यादा इतना सही में बोझ क्यों है तुम्हारे ऊपर? मैंने दिया हुआ ले भाई, इसमें भी मैं मेरी गलती है, इसमें भी इट्स माय फॉल्ट गाइस। बाकी भाई लड़की बना रही है कुछ स्पेशल आज, ये देख रहे हो टमाटर, लाल लाल टमाटर निकाल दिए लड़की ने। ले भाई क्या कर रहे तुम यहाँ पे, क्या कर रहे? शिमला मिर्च भी काट रहे हो गाइस? तो देखो दिखाता हूँ, ये है बैटर जो इसने बनाया हुआ है। अब गैस करो थोड़ी देर, जब तक आपको दिखता नहीं है कि बनाया क्या है तब तक गैस करते रहो कि बन क्या रहा है। इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, फुल पावर हेल्दी प्रोटीन वाली। गैस करो गैस, नहीं ये भी नहीं है, कुछ और गैस करो। हाँ नहीं 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 ये भी नहीं है, हैं? ये देखो ये बताएगी आपको क्या कह रहे तुम, क्या है? क्या है? चीला। ले भाई तो लड़की ने बता दिया चीला बन रहा है आज, तो मजे लेंगे चीले के, सूजी के। बाकी आज है सैटरडे, आज करेंगे मजे, छुट्टी का दिन है, इसका काम करने वाला दिन है, ये देसी कंपनी में काम करेगी। बाकी भाई घर देख लो, आज आज सैटरडे है, आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारा किसी वीकेंड पे ना घर बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, फैला हुआ नहीं है। एक तो हमारा दोस्त चले गया न्यूजीलैंड वाला, उसकी वजह से भाई यहाँ इस वाले कमरे की तो बैंड ही बजी हुई थी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे दिख रहा है अटैची, ये मेरी अटैची पड़ी हुई है फिलहाल यहाँ पे। भाई उसने पूरा अपना कोराम मचा रखा था, उधर कोराम मचा रखा था, मतलब फुल पावर भाई फैला पड़ा था। बट आज पहली बार एक ऐसा वीकेंड आया जिस वीकेंड पे हमको घर की सफाई का इतना नहीं लोड है, बिकॉज ऑलरेडी घर बहुत साफ है भाई। नहीं तो ना टेंशन होती है मेरे को, इसको तो क्या ही टेंशन होगी, ये मुझे टेंशन दे देती है क्योंकि घर साफ करना पड़ता है मुझे। वॉशरूम कौन साफ करे? मैं। कमरे कौन साफ करे? मैं। डस्टिंग कौन करे? ये। कपड़े कौन धोए? मैं। यही हो भाई, इसीलिए मैं आज ना रिलैक्स था, इसीलिए मेरा मैं अपने काम के दुख रोता हूँ। हाँ, सब कहते होंगे। मैं अपने काम के कोई दुखी नहीं रोता। रोते हो? इसमें अब ये बहुत चालू है, बहुत चालू चीज है। अब अगर इसकी बारे में कुछ नहीं होगा ना तो ये मुझे बोल देगी तुम अपने रोने रो, मैं रोने रो रहा है यहाँ। काम नहीं है? नहीं मैं ये कह रहा कि भाई आज हमको पहला ऐसा वीकेंड है बहुत टाइम बाद कि हमको ये लोड नहीं है कि हमको घर साफ करना है, क्योंकि घर ऑलरेडी साफ है। इस बार पहला वीकेंड ऐसा बहुत टाइम बाद, पता नहीं कितने जन्म बाद हो गया होगा ये। तेरी बेइज्जती मत करा करो यार, क्या यार क्या कह रहे हो? क्या करूं, प्याज काटूं? देख रहे हो अब बताओ कौन रोने रोया ये? तो ले भाई कांधा काटना पड़ रहा है अब हमें। कांधा क्या? तुम मेरे को ये छोटू वाले काम क्यों देती हो पहले ये बताओ, हैं? नहीं ये छोटू वाले काम सारे मेरे लिए क्यों होते हैं? कपड़े साफ कर दो, वॉशरूम साफ कर दो, ये प्याज काट दो, पैर दबा दो, छोटू हूँ मैं तुम्हारा, है? जवान देखो जरा कैसे चले कैंची की तरह एकदम बोले। कितनी प्याज काटनी है? ओ भाई प्याज काट के आंसू आ गए भाई साहब, भाई बहुत ही
बहुत ही तीखी प्याज थी यार। प्याज काटना भी बहुत औखा काम है भाई, तभी तो मुझे देती है कि सारे रोने वाले काम तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम रोना रो है ना। रोने वाले जितने काम होंगे वो सारे मेरे, क्योंकि मैं रोना रो भाई इसके हिसाब से। आंखें जल गई यार, प्याज भाई प्याज ने रुला दिया यार, नया प्याज ने रुला दिया यार मुझे यार। चलो मेरी अब वो करो सेवा, कर रही तुम्हारी सेवा कर रही हूँ बना के सेवा हो जा रही भाई। ले भाई तो बैटर में तो इसने डाल दिए छोटे छोटे प्याज टमाटर और शिमला मिर्च। चलो गाइस अब थोड़ी सी हेल्प करता हूँ इसकी, वरना ये गालियाँ देने स्टार्ट कर देगी मेरे को। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकते, क्या कि तुम व्लॉग ही बनाते रहो, सारा काम मैं करूँ। चलो फिर चलता हूँ जरा उसके पास, आंखें ओखे दिखा रही होगी देखना। क्या है, हरी मिर्च? जी मैम हरी मिर्च भी निकाल देते हैं अंदर से। हरी मिर्च कहाँ रखी है, रखी कहाँ है, कितनी, दो? लो मैम हरी मिर्च, ठीक है। इन्हें काटना है, किसने, मैं काटूं? आप काट लोगे? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ले भाई होए 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 भाई, चिल्ले हो गए रेडी भाई साहब, मजेदार लग रहे हैं चिल्ले देखने में भाई, पूरा पूरा एसेंस आ रखा है, पूरा एसेंस। उल्टी साइड से क्या है, सीधी साइड तो है ये भाई, देखो दोनों साइड से दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो इधर से, और देखो सॉफ्ट कितने, हल्का सा पलटने में ही भाई हाथ में आ गया ये। ओहो मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज चिल्ले मुझे बहुत पसंद है सूजी के, और उसमें अंदर अगर सब्जियां वब्जियां भरी हो ना, मतलब टमाटर प्याज शिमला मिर्च, आहा स्वाद ही अलग है। बाकी भाई नेहा थैंक यू सो मच, लड़की काम करे वैसे मेरी, एक बात तो है भाई, किस्मत वालों को मिले ऐसी लड़की है तेरी। बाकी गाइस चलो करते हैं स्टार्ट चिल्ले का, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आता यार। एक नंबर मजेदार, क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो रहा है, स्वाद तो है लड़की के हाथ में। ये आ गई लड़की, हैं बन गए भाई, लड़की ने भी बना लिया अपने लिए, देख रहे हो तेरी भाई, तुम्हारे तो ज्यादा अच्छे बने हुए क्रिस्पी क्रिस्पी से, मेरे को तो नहीं दिए तुमने ऐसे यार, तुम्हें भी ऐसे दिए थे बेटे, देख रहे हो भाई साहब इसके बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं, मेरे को दे दिए कच्चे। मेरे कच्चे नहीं दूंगी, कच्चे नहीं दोगी तुम, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजेदार बन रखे थे वो भी, ये भी मजेदार सेम बने हुए हैं, वैसा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा कलर का डिफरेंस है। मेरा तो पेट भर गया भाई, तीन खा गया हूँ मैं, तीन, ये दो खा रही है। वही है ना, जिसका जैसा शरीर उसको वैसे हिसाब से खाना पड़ता है, क्यों भाई, अब यहाँ शरीर ही इतना बड़ा है, बट मज़ा आ गया। भाई शिमला मिर्च से सही बात, सही कह रहे हो तुम, पता है टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग ही टेस्ट स्वाद आ जाता है उसमें, मतलब जो एक एसेंस आता है ना, पता नहीं क्या होता है ऐसा यार, शिमला मिर्च डालते ही ऐसे वो बनता है ना जो ब्रेड पिज्जा, हाँ वो से खा के देखना कभी, एक नंबर कुछ है। तो फिर चलो फिर कल को ब्रेड पिज्जा बना लें, पक्की बात, ले भाई ले आएंगे चीज। अब इसको कौन रख के आएगा, है बुलाया है, नहीं मेरी प्लेट दिख रही तुमको कहीं, यहाँ पे पूरे साफ पड़ी हुई है, ये सॉस की बोतल भी यहाँ रख दी साइड में, ये फोन भी यहाँ रखो, इतने फोन है हमारे घर में, मैं कंट्रोल नहीं होती मेरे से ना, बिना बोले बोलूँ बहुत मैं, बोलो अब सुनो, ये प्लेट उठोगे उठ के रखोगे ना, फोन भी ले लेना, मेरा फोन ला दो, मेरा ये ला दो, क्या मैं बोला है पर्सनल छोटू रख लिया है क्या तुमने मुझे, है पर्सनल छोटू हो तुम, छोटू इधर आ, चेची छोटू पानी ला, छोटू पानी ला, है अरे यार भाई सैटरडे को भी कौन इतने कॉल कर रहा है यार, परेशान हो गया हूँ, कौन है, कौन है, सस्पेक्टेड स्कैम, एक तो ये सस्पेक्टेड एक तो ये सस्पेक्टेड स्कैम के इतने फोन आ रहे, पता नहीं भाई एयरटेल वालों बहुत दिक्कत दे रहे तुम आजकल, सच बता रहा चेंज कर दूंगा भाई, ये देख रहे हो अभी भी नहीं उठ रही यार, अबे उठ के रख दो इसे यार, दशहरा कॉल कब है, 12 को, हाँ 12 को है, 12 को क्या है, सैटरडे, सैटरडे क्यों, नवरात्र, रावण फूकना है तुम्हें, अष्टमी कब है,
हैं? थर्सडे को। अब ये तो नहीं पता यार मुझे। ठीक है, जैसा जो तुमको ठीक लगे भाई, हम तो छोटू हैं तुम्हारे। या फिर कोई बॉक्सेस लाएंगे। क्या लाओगे? बॉक्स टाइप। बॉक्सेस, जो तुम्हारा मन करे तुम वो ले आना, हम तो भैया हाँ भरने वाले हैं, हम तो तुम्हारे पर्सनल छोटू बन गए ना। तुम खुद बनना चाह रहे हो। देखो, बनना नहीं चाह रहा, बन चुके हैं। कुशल ये ला दो, शानू ये ला दो, शानू वो कर दो। नाम कर दे पर्सनल छोटू। पर्सनल छोटू नहीं चलेगा, वायरल हो जाओगे। हम ऐसे भी वायरल हो जाएंगे। गाइस हमें कर दो ना वायरल। कर दो यार वायरल। गाइस कहेंगे कुछ ऊट पटांग सी हरकत करो, देखो दो मिनट में कैसे वायरल। हरकत सीधी होगी। तुम पहले ये तो उठ जाओ, तुम्हें पहले वायरल होना है, इसे तुम रख के आओ। आलस से भरी पड़ी हो नेहा तुम यार। ना कैसी बात, आलस से भरी होती तो ये खाना देती क्या तुम्हें? खा लिया था तुमने ओट्स? तो दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बैठी रहोगी, उठ के रखो इसे। आलस से भरी है। और अगर अभी मैं होता ना यहीं तुम्हारी जगह पे नेहा, भाई साहब अभी तक ना 10 गालियां आ चुकी होती। अरे नहीं आ रही होती, मैं टेबल पे खा उठने के लिए कभी बोलती हूँ क्या ऐसे? टेबल की बैंड जा रखी है, देखना जरा कितना गंदा कर रखा है, कपड़ा भी नहीं मारते हो, ये भी नहीं करते हो, 10 काम बता दिए तुम्हें मैंने, एक नहीं कर सकते हो। गाइस आप ही सुनो, मैं नहीं सुनूं। आप मेरे पे फोकस करो, ये लीस्ट इंटरेस्टेड रहती है। और फिर मतलब मैं चुप हो जाऊंगा ना, फिर कहीं पता क्या कहेगी, तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो मेरे से बात ही नहीं करते। क्या कह रहे थे तुम? हर वक्त शिकायत नहीं करते हैं, हंसी मजाक में जिंदगी जीते हैं। तो हंसी मजाक ही तो कर रहे हैं हम बस। तो ये और चल क्या रहा, मैं किसको शिकायत लगा रहा? किसको लगा रहा शिकायत? तो गाइस देखो, प्लेट नहीं उठाई, तो गाइस देखो ये नहीं करा, गाइस देखो वो नहीं करा। अरे क्या हो गया, गाइस भी कहेंगे भाई कर लेगी, कोई बात नहीं कर लेगी बेटे। तो भाई गाइस कौन, गाइस को शिकायत लगा के मैं क्या कर लूंगा? गाइस के यहाँ पे तुमको आके डांटेंगे, कमेंट में डांट लेंगे गाइस। उन्हें मजा आ रहा होगा देख के, है ना भाई? मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? तो अगर मजा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो फटाफट। देखा कर रहे हैं वो लोग, कर रहे हैं। अरे यार इतनी प्यार चला दो इसे, देख रहे हो, इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। बस रील दिखा लो इसे बिठा के, यूं बैठ जाएगी चुईया की तरह। चलो फिर बनाए यार रोटी, रोटी बनाए। मैं तो एक दो रोटी खाऊंगा वैसे भी, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम 4-5 खा लो भाई, ये बहुत खाती है, बुक्कड़ है मेरे घर में। खिला लो इसे चाउमीन, मोमो, नूडल्स, पाव भाजी, सब खिला लो इसे। अब उठ जाओ फटाफट, चलो। सुनती नहीं है मेरी ये बिल्कुल भी, टाइट करना पड़ेगा इसे भाई। तो लो भाई अपना वो तो हो गया खाना स्टार्ट, रोटी, बीन्स, आलू की सब्जी, साथ में सैलेड, और ये बैठी हमारे साथ लड़की जो खा रही है सेम खाना, तो फटाफट से इसको खा लेते हैं चलें। आज तो भैया लड़की हो रखी फुल रेडी। कहाँ जा रहे हो? योगा करने। ले भाई, तो भाई फाइनली टाइम हो गया जिम का, जिम के लिए निकलते हैं। और आज तो ये भी जा रही है मेरे साथ जिम। नेहा कैसा लग रहा है जिम जाते हुए? वेरी नाइस भाई, मान गई आज तो। मैंने कहा चलो चलो चलो, तुम्हें पतला कराना है। हैं? क्या चीज? तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो भाई, मेरे कहने कहने पर अब जाके इसको लगा कि चलना चाहिए जिम। अब इस पे मना कर दो, पर तुमको ये ना लगाओ, तुम्हारे कहने पे मेरे को फिट होके देखता हुआ ना इसको अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये बुढ़ी होती जा रही है और मैं जवान। तो भाई अब लड़की भी जवान होगी। हैं क्यों? बहुत बेकार जोक था, चलो फटाफट जिम चलो। नहीं हुआ नेहा, सुनो तुम कहाँ जिम जुम जा रही? पीछे वहाँ कीर्तन आंटी लोग बजा रहे, वहीं चले जाओ, वहीं बैठ जाओ आराम से। हैं देखो पीछे गीत गा रहे हैं, वहीं तुम्हारा फेवरेट टाइम पास हो जाएगा, फिर तुम मुझे भूल जाओगी। आओ तुम्हें छोड़ू वहाँ पे, चलो आओ नया, जाओ वहाँ, जाओ वहाँ, देखो वहाँ वो चल रहा है, जाओ। तुम कहाँ जिम चल रही हो? जिम मत जाओ, वहाँ चले जाओ। हैं कितना वेट हो रहा है यार, सबको नहीं दिखाते यार। ओहो हो, बहुत ज्यादा वेट हो रहा है ये तो नेहा। क्या मैं यहां भी आगे घंटे के लेने? बढ़िया है, मजे लो। अरे क्या कर रहे हो नेहा? हैं वाओ, आज तो मेरी लड़की एक्सरसाइज कर रही भैया, क्या हो गया, कहां से निकल गया आज दिन ये? हैं
भाई साहब लड़की फुल पावर लगी, बड़ी है, देख रहे हो भाई। फाइनली देखो पहला बंदा मोटिवेट हो गया मेरा जिम करते करते। इसको ऐसा हो गया था कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी फिट होऊंगी। क्या चीज़? तो शादी से पहले भी जाती थी। इससे पहले भी जाते थे तुम? ए बेचे। और भाई बाहर इतने तेज गाने बजा रखे हैं ना, और गाने इतने बकवास कि मैं क्या बताऊँ। अभी बंद कराता हूँ गाने सालों को। आज पंप आ रखा है भाई अलग ही हाथों में। आज तुम है? ये भाई सूर्य नमस्कार। कितनी देर करोगे और? स्क्वाट्स मार के चलेंगे भाई। आज फुल फुल मूड में है आज लड़की। अगर आप चाहते हो तो बता दो मेरे लिए। भाई अगर आप चाहते हो ना कि ये रोज आए तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ दीदी आप जिम जाओ। नेहा बोलो। तो जिम तो हो गया था पूरा और आ गए हैं हम अपने घर वापस। मैं हो गया हूँ रेडी नहा धोकर, और देखो भाई बीवी भी नहा धोकर रेडी एकदम। ले भाई कोई चिप चिप की झंझट ही नहीं है भाई। आज लाली छा रखी पूरी, क्या बात है। आज लाल कलर पहनना होता है? झोंके से क्या बात है, क्या बात है। तालियां भाई, तालियां तालियां इसके लिए। तो आज ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ आज तुम्हें जिम में कैसा लगा? बढ़िया हैं? पैर पूर तो दर्द नहीं हो गया? पीठ वीट तो नहीं चटक गई? हैं इतनी कमज़ोर नहीं हो? मज़ा आ गया जिम करके गाइस, क्योंकि आज ये भी थी साथ में ना, तो आज इसको भी दिखा रहा था मैं कि बेटे ये देख ऐसे होता है जिम। हैं डबल चिन तो अब क्या कर सकते हैं। देखो अब भाई, अब आप सबने इसका वेट तो देख ही लिया, हालत खराब होगी भाई इसकी। आज अब यही बैठे रहोगी है ना, अब आज यही बैठी रहोगी। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा, हम तैयार तो हो गए जिम से आके, तैयार हुए क्यों पता नहीं। आज ऐसे मन कर रहा था तुम हो ना, इर्रेस्पॉन्सिबल जाना काम से था। अच्छा फिर बोल दो नहीं जाना था काम से, तुमने जाना था गाइस, तुम्हारी वजह से रुक गया मैं। आ गई जिम 1 घंटा करके। हां हीरो को करने 2 घंटे है तो करो 2 घंटे। तो हम हैं भी तो हीरो फिर। और क्या कह रही कि ये आ गई 1 घंटे पहले। भाई अगर मैं 1 घंटे बाद आया इसके तो ये नहा चुकी होती, ये नहा सकती थी? नहीं, जब तक मैं नहीं आऊँगा नहाएगी नहीं, खाना भी नहीं खाएगी, कुछ भी मेरे बिना कुछ नहीं होता क्या तुम्हारा? भाई अब ना आज एक मैं बात करना चाह रहा था। आजकल ये वर्ड ना काफ़ी चल रहे हैं, मिलेनियल जेंजी अल्फा। भाई ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था ये सब चीज़ें? अरे 1 साल पहले आए हैं ये वर्ड्स। These words are sounding यार ठीक है, 1 साल पहले आए हैं, हमारे टाइम पे भी तो आए होंगे जिसमें 1980s को कुछ और कहते होंगे, 1950s को कुछ और। अरे यहाँ तो 90s ना, मैं कह रहा हूँ 1980 में जो थे, 1980s वालों को क्या कहते हैं गाइस? अरे बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं। हाँ they sound very classy, कि वाओ Gen Z, वाओ मिलेनियल। अरे भाई सब नहीं है कि अभी 1 साल पहले से सब लोग सुनना स्टार्ट हुए हैं और अभी 6 महीने से सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, सबने पढ़ के कि कौन कौन किस जनरेशन। और भाई मैंने तो एक चीज देखी है, बीइंग अ मिलेनियल, भाई मिलेनियल्स आर द बेस्ट। अरे व्हाट इज, सबसे बढ़िया जनरेशन थी वो जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं। मजा आ रखा है, मतलब हमारे टाइम पे ना भाई सच बता रहा हूँ, जब मैं 5th-6th में था ना, मुझे पता भी नहीं होता था भाई ये सब कि मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। आजकल भाई छोटे छोटे बच्चों को ना पूरी खबर रहती है कहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सबके हाथ में आ चुके हैं फ़ोन भाई। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम था हमारा जो 90s वाले लड़के बच्चे थे भाई, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, टाइम पास के लिए बाहर। इसीलिए कहते हैं जेन ज़ी मिलेनियल अल्फा सब छोड़ो, अपना मेहनत करो, पैसा कमाओ, दुनिया के मजे लो। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ, हमारे टाइम पर ना फ़ोन नहीं होते थे इतने, हमारे टाइम पे ना ये इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं होता था भाई। और सच बताऊँ हमारे पास अगर हमको कुछ टाइम पास करना होता था ना, हम बाहर जाते थे घूमने या खेलने, लोगों के बीच बैठते थे। आज के टाइम पे पता है क्या हो रहा है, जो ये जेन ज़ी और अल्फाज है ना भाई, ये इतने ज़्यादा फ़ोन के अंदर घुस चुके हैं कि उनके पास टाइम नहीं है सोशलाइज होने का, लोगों के साथ बैठने का उठने का, मतलब उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उनको अलोन टाइम ज़्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है रेदर दैन बींग इन अ ग्रुप, अगर आपने रियलाइज़ करा हो तो। मतलब मैंने तो ये चीज़ रियलाइज करी है भाई, क्योंकि हमारे टाइम में तो बहुत ही अलग चीज़ें थी, आज के टाइम पे तो भाई बच्चा। अरे तो पहले वो नहीं होता, अब जैसे हम किसी शादी या किसी बर्थडे पार्टी फंक्शन में मम्मी पापा के साथ जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम बच्चे ढूंढते थे कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग वहाँ जाके खेलना स्टार्ट होते थे। अब के बच्चे क्या करते हैं, मतलब जो अब तो बिल्कुल ही जो पैदा हो रहे हैं,
मम्मी पापा को फोन पकड़ के बैठते हैं, सब लोग फोन में लगे होते हैं, वही तो दिस इज द डिफरेंस भाई। अब बताओ अब ये चीज क्या हो जाएगी कि हम बड़े बुढ़े हो गए हैं। और भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है जेन जी अल्फा सब ठीक है भाई, जब हमारे जो 90s वाले लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली शादी करी है और उनके जो बच्चे होंगे भाई उन वो कैसे होंगे, मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे भाई शो ऑफ इतना हो चुका है। मतलब छोटे बच्चे जो है ना, पता है शो ऑफ, और शो ऑफ क्यों हुआ है भाई हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे ना रील्स जब बच्चे देखते हैं ना भाई उनका भी मन करता है वही सब चीज़ें करने का, उनको पता नहीं होता कि ये है क्या। और मतलब आज के टाइम पे बच्चों को ये समझ नहीं है कि वो किस घर में पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके घर में कौन कौन है, बट उनको दुनियादारी की सारी खबर होगी कि भाई किसकी रील में क्या आया क्या हुआ क्या नहीं, और फिर वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बच्चों को अगर आप, हम बच्चों को अगर सिखाते हैं तो भाई वो समझते हैं ना, तो आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं समझते हैं, आजकल के बच्चे समझते हैं रील की भाषा और वो रील की भाषा को ही अप्लाई करते हैं। तो भाई वो चीज़ ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली होती है, कभी कभी सोचता हूँ भाई मैं भी, मतलब दिमाग में चलती हैं चीज़ें कि यार आजकल के बच्चों को समझाना इज़ रियली वेरी टफ, वो नहीं सुनते हैं किसी की, वो नहीं समझते हैं। गाइस आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, एंड भाई जो अभी हमने टॉपिक छेड़ा था बहुत सही टॉपिक था, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई अगेंस्ट हैं जेन जी के और अल्फा के, बट कुछ चीज़ें हमको रियलाइज होती हैं कि भाई वो चीज़ गलत है, तो बस यही बताना चाह रहा था। बाकी मिलेंगे अगले व्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड कुशल नामदेव, सी यू अगेन, लव यू एंड बाय बाय।